ईद का तीसरा और छुट्टी का आज आखिरी दिन। ईद के पहले और दूसरे दिन कुर्बानी ना करने वालों की आज सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी। किसाबों के रेट और नखरे दोनों कम हो गए, कहीं बनेगी बिरयानी तो कहीं कड़ाही। नमकीन गोश्त, टिक्का बोटी और पुलाव का भी होगा एहतमाम। खवातीन का दिन आज भी किचन में ही गुजरेगा। क़यामत खेज गर्मी में महकमा मौसमियात ने बारिश की नवीद सुना दी। मौसम का हाल बताने वालों की आज मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई। लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट समेत बालाई पंजाब में बारिश का इम्कान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के सूबे में बिजली की लोड शेडिंग पर भरपूर एहतजाज की धमकी। कहा कि वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के आवाम से इंतकाम ले रही है, मामले पर चुप नहीं रहेंगे। वफाकी हुकूमत ने रवैया दुरुस्त ना किया तो आवाम बाहर निकलेंगे। वर्ल्ड कप में बदतरीन कारकर्दगी कौमी टीम की, टुकड़ों में वतन वापसी। फास्ट बॉलर नसीम शाह और उस्मान खान लाहौर पहुंच गए सीनियर मैनेजर। वहां प्रयास भी खिलाड़ियों के हमरा। बाबर आजम, हारिस रौफ, इमाद आमिर टीम के हमरा वापस नहीं आए।